सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। दोस्तों, जनता की आवाज आप तक में आज हम बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत अरहारपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में। आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शिक्षिका की पुत्री व घटना की चश्मदीद ने मीडिया के सामने आकर कहा कि घटना का कारण पानी विवाद नहीं था बल्कि सीएसपी लूट है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दिन सुबह करीब 6 बजे उसके घर के सभी सदस्य चाय पी रहे थे, तभी सभी आरोपी उसके घर में चल रहे सीएसपी को लूटने पहुंचे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके पिता व पंचायत के उप मुखिया को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही मेरी मां को नग्न कर पिटाई करने लगे। बचाने आए उसके चाचा और भाई को भी आरोपियों ने बुरी तरह से मारपीट कर अधमरा करते हुए मृत समझकर छोड़ दिया और मेरी मां को पानी में डुबाकर मार डाला। उन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को भी पानी में डुबोकर मारना चाहा, लेकिन वहां से किसी तरह जान बचाकर हम लोग वहां से निकल गए। इस पूरे मामले का आवेदन थाना को दिया गया है, साथ ही पीड़िता ने थाना से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें आपका संदिग्ध है, क्या हुआ था उस दिन? जो है मेरा नाम नुसरत परवीन है। मैं सुबह 6 बजे से सोए हुए थे रूम में। सुबह 6 बजे करीब रंजन कुमार उसके जितने भी साथी थे सब आकर घर लूटने लगे और मेरी अम्मी को बेरहम तरीके से घर से निकाल के कपड़ा उपड़ा उतार के इतना लंगे से पीटे और मेरी सारी बहन को भी ले गए। मेरी अम्मी चिल्लाती रही करती रही, लेकिन फिर भी सब ने जाके पानी में गोद गोद सब मार डाला। क्या कारण क्या था घटना का? जो है सब ऐसा जो आपकी अम्मी के साथ हुआ, तो ऐसा क्या कारण था? सब बैंक लूटने आया था, पूरे घर घेर लिया, बैंक लूटने लगा। जब पापा हम लोग अंदर गए तो सब ही आ गया, फिर अम्मी लोग को बाहर ले गया। अम्मी पापा तीनों बहन के साथ चाय पी रहे थे और सभी रंजन कुमार उसके पापा उसके भाई सारे रघुनाथ सिंह सब आ करके वहाँ बैंक लूटने का कोशिश किया। उसके विरोध में पापा लोग बाहर निकले, जैसे गेट बंद किए थे, अंदर घुसे। वो अंदर घुस के आया और पापा को ले गया और अम्मी को अच्छे से ले गया। सबको मारते हुए कपड़ा उपड़ा उतार के पूरा नंगा करके बहुत मारा और हम लोग को भी उठा के ले गया। पापा का पता नहीं चल रहा अम्मी की हत्या हो गई है। तो आप लोगों के साथ भी जो है कुछ बदतमीजी किया गया था? पूरा रोड पे दौड़ा दौड़ा खंती को बैंक को मारा। सर, कारण क्या था? जो है बैंक लूट, क्या कौन सा बैंक था? जो है क्या बैंक जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है वो चलाती हैं? सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक था, CSC। तो अभी तक आपके पापा का कोई अता पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं। थाना में इसका जो है शिकायत किए हैं क्या आप लोग? जो जी किए हैं। तो क्या आश्वासन क्या मिला है थाने के तरफ से? तो कुछ नहीं बोला सर, कुछ जब आए सब कुछ देख कर। अच्छा, एक बात और बताएं जो है कि आपके पापा पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सो आपके पापा ने जो है श्रवण कुमार का हत्या किया है, तो आप चश्मदीद हैं तो आपने तो देखा होगा। नहीं, सब बोल रहा कि 6 बजे उसका डेथ हुआ, 6 बजे पापा हम लोग के साथ चाय पी रहे थे, तो ये कैसे हुआ जी पापा उसको मार दिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना दोस्तों आप भूल जाते हैं। अगर आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर अगर हमें मिल जाता है तो दूसरी भी वीडियो बनाने में हमें एक जज्बा मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपना सुझाव आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए तथ्य एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।